तो दोस्तों जब भी हमारा इंस्टाग्राम जो होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर हमारे अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर डिसेबल होता है, तो इंस्टाग्राम आपसे एक चीज़ पूछता है कि आप जो है कन्फर्मेशन कोड यहाँ पर डालो, तभी जो आपको इंस्टाग्राम को मतलब आपको एक्सेस मिलेगा। पर हम जो है वहाँ पर कोड सेंड करते हैं और हमारे जो मोबाइल होता है उसमें कोड आता ही नहीं है। मतलब वहाँ से तो सेंड होता है, मतलब प्रॉपर वहाँ से बताता है कि सेंड हो चुका है, पर हमारे जो मोबाइल होता है उसमें OTP नहीं आता, मतलब वेरिफिकेशन जो कोड होता है OTP वो आता ही नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, तो इस प्रॉब्लम का आप कैसे सोल्व कर सकते हो और जो जो तरीके मैंने यूज़ किए हैं कन्फर्मेशन कोड सेंड करने के लिए और रिसीव भी हुए, वही तरीके मैं आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, सुबह का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले तरीका यह है कि आपको जो चेक कर लेना है कि आपका जो Instagram एप्लीकेशन है वो अपडेट है या फिर नहीं। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, वहां पर जाकर आपको सर्च कर देना Instagram। Instagram आप जैसे लिखोगे वहां पर दिखा देगा, अगर ओपन लिखा हुआ आए तो अच्छी बात है, अगर ओपन नहीं आ रहा है अपडेट लिखा हुआ आ रहा है तो तुरंत आपको जो है अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप फिर से कोशिश करके देखना है वहां पर कन्फर्मेशन कोड सेंड होता है या फिर नहीं। अगर इससे नहीं होता तो सेकंड स्टेप आपको कर लेना है, आपको क्या करना है, आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। तो मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप्स जो होते हैं जो भी हम इंस्टॉल करते हैं वहां पर आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको Instagram सर्च कर देना है। Instagram पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाएगा स्टोरेज यूजेस, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, क्लियर कैश और क्लियर डाटा, तो आपको दोनों ही क्लियर कर देना है। जैसे आप क्लियर कैश करोगे उसके बाद जो है क्लियर डाटा कर दोगे। अगर इससे भी आपको प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो बढ़ते हैं हमने थर्ड स्टेप की ओर। तो थर्ड स्टेप ये है कि आपको जो है अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना, एक बार आपको रीस्टार्ट कर देना और अपने जो मोबाइल का डाटा होता है उसको चेक कर लेना। अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो तो वाईफाई से कनेक्ट है तो आपको मोबाइल का डाटा जो होता है उससे कनेक्ट करके देखना है, क्योंकि बहुत सी बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इससे जो है कन्फर्मेशन कोड भी सेंड नहीं होता। इसके बाद आपको चेक कर लेना, अगर आपको सेंड हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फोर्थ स्टेप ये है कि आपको जो है एक बार चेक कर लेना अपना नंबर। जैसे आप वेरिफिकेशन कोड जो होता है उस पर जाओगे, यहाँ पर आपको चेक कर लेना आपका जो अभी जो नंबर है वही जो है वहाँ पर डला हुआ है या फिर आपकी जो पुरानी सिम थी या फिर ओल्ड नंबर जो भी था वो वहाँ पर है। अगर आपका नंबर सही है या फिर आपका नंबर गलत, तो यहाँ पर आपको अगर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अपडेट योर फोन नंबर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है अपना कंट्री का जो कोड होता है वो सिलेक्ट कर देना है। हमारे इंडिया का जो है +91 कोड है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट होने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो वहाँ पर डाल देना है और सेंड कर देना है कन्फर्मेशन कोड को, और आपका जो है कन्फर्मेशन कोड आ जाएगा। और अगर इससे भी नहीं आता है तो सबसे लास्ट में आपको क्या कर देना है, आपको जो है Instagram का जो मेन एप्लीकेशन होता है उससे अगर आप कन्फर्मेशन कोड सेंड कर रहे हो तो उससे मत करना, क्योंकि बहुत सी बार जो है Instagram में कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है टेक्निकल इशू के कारण जो है आपका कन्फर्मेशन कोड नहीं आता है। इसलिए आपका यूज करना है Instagram लाइट, या फिर हम जो है क्रोम में जाकर Instagram को ओपन करते हैं वहां पर आपको ओपन कर देना है। जैसे क्रोम में आप जाओगे वहां पर सर्च करोगे Instagram, वहां पर जाने के बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। लॉगिन आप करोगे तो वहां पर जो कन्फर्मेशन कोड सेंड करने के लिए बोलेगा, तो आपको सेंड कर देना है। सेंड होने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर तुरंत ही वहां पर जो है रिसीव हो जाएगा। तो जो मैंने तरीके बताए इनको यूज करके आप जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। उससे भी नहीं होती तो आप जो है मुझे Instagram पर DM कर सकते हो, मेरा यूजर नेम है Rohit_999, अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो आप जाकर मुझे DM कर सकते हो, वहां मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। और चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।